इस दीपोत्सव के पावन पर्व पर रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इस समय कौन सा पैलेस बेस्ट रहेगा, मनाली या शिमला। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो आज दीपावली का ही है और लेटेस्ट वीडियो के कारण आपको पता चल जाएगा कि मनाली की लेटेस्ट स्थिति क्या है, कितनी बर्फ़ है। आपको हम जिस्पा यानी केलोंग से आगे जो लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलोंग है उससे आगे जिस्पा तक ले चलेंगे और आप कहेंगे तो जिस्पा का भी वीडियो या केलोंग का वीडियो भी डाल देंगे, आपके कॉमेंट आएंगे। तो अब आपको हम दिखाते हैं लेटेस्ट अटल टनल कैसी है और अटल टनल के बारे में बताना चाहूँगा। 9 से 10, 2 बजे से 3 बजे तक बंद रहती है, इस समय को अवॉइड करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये अटल टनल का नज़ारा और इसको पार करते ही लाहौल स्पीति जो एक धवल रंग में रंजित और एकदम सफ़ेदी के आवरण में आवृत चांदी के पहाड़ यहाँ महसूस हो रहे हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं। तो यह इस प्रकार के आज के लेटेस्ट नज़ारे हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव केवल रेनबो सेवन पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। हम टूरिज़्म से रिलेटेड लेटेस्ट और यूजफुल वीडियो आपके लिए निरंतर प्रोवाइड करते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए, यदि आप मनाली आ रहे हैं या शिमला आ रहे हैं तो आपके माइंड सेट हो गया है तो उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके हो सकता है कि विचार चेंज हो जाए। यदि आप स्नो लवर हैं या स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो ज़रूर, अभी मौसम बंद रहा है, स्नोफॉल प्रिडिक्शन भी ये चैनल करता है। इससे पहले आपने एक दो वीडियो पहले देखेंगे तो आपको स्नोफॉल प्रिडिक्शन मिल जाएगा, स्नोफॉल कब होने वाली है। तो स्नोफॉल लवर हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ मनाली आना चाहिए, क्योंकि अभी शिमला के अंदर स्नोफॉल नहीं हुआ है और शिमला में अच्छा स्नोफॉल आपको दिसंबर के लास्ट के आसपास देखने को मिलेगा। और हो सकता है उससे पहले आपको कुफरी या नारकंडा जाना पड़े स्नोफॉल के लिए, वहाँ थोड़ा क्योंकि वो हाई अल्टीट्यूड है तो वहाँ पहले स्नोफॉल होता है उसके बाद शिमला में आता है। तो कल तक होना चाहिए स्नोफॉल, मैं ऐसी आशा करता हूँ। मौसम परिवर्तन का विषय है लेकिन हो सकता है कि कल स्नोफॉल आपको देखने को मिले। आपको बता देवें कि अटल टनल बन जाने के बाद जो शिशु विलेज है ये रोड फेमस हुई थी, यहाँ पीले पीले पत्ते और ये जो नई हाईवे, इस प्रकार के नज़ारे आपको फेसबुक पर या यूट्यूब पर देखे होंगे। तो ये काफ़ी फेमस हुई थी और यहाँ का लुक स्विट्ज़रलैंड के समान था। तो स्नोफॉल के बाद ये पत्ते तो झड़ चुके हैं लेकिन जो चांदी के पहाड़ है बहुत ही सफ़ेदी की आगोश में रंगे हुए, बहुत ही चांदी के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जैसा कि आप ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ स्वर्ग जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा और आप केलांग यहाँ जा सकते हैं। और कुछ विलेज है उन्होंने लॉकडाउन वापस घोषित कर दिया है, इससे लास्ट वीडियो है उसको आप, सेकंड लास्ट वीडियो है उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन पर भी डालने का कोशिश करूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आप सनो लवर हैं तो ज़रूर मनाली आइए, और वैसे घूमना है तो आप शिमला जा सकते हैं, वैसे शिमला भी बहुत अच्छी जगह है और आपके नज़दीक पड़ता है तो शिमला भी जा सकते हैं। और यह जो दृश्य मैं अभी दिखा रहा हूँ यह है केलोंग से 10 किलोमीटर आगे जिस्पा नाम की जगह है, जिस्पा में बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ और आप इस प्रकार के जो दृश्य है सुंदरतम दृश्य आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे तो यहाँ का जो विलेज है जिस्पा विलेज उसका भी वीडियो आ जाएगा और केलोंग लाहौल स्पीति का मुख्यालय वो भी उसको भी कवर कर लेंगे, आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे और आपके कमेंट पर ही हमारा चैनल बेस्ट है, उसी के आधार पर चलता है। तो ज़्यादा बर्फ़ देखनी है तो आपको केलोंग से आगे यहाँ आ सकते हैं, वैसे यहाँ भी कमी नहीं है और स्पीति
1 अप्रैल को खुलेगा 2021 में, उसका वीडियो मैंने डाल दी है, सेकंड लास्ट वीडियो, उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो आप शिमला और मनाली में कौन सी जगह यात्रा करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइव स्नोफॉल के वीडियो अब लगातार आएंगे, और उसमें शिमला भी शामिल करूंगा, डलहौजी भी शामिल करूंगा, और उत्तराखंड भी शामिल करने वाला हूं स्नोफॉल प्रिडिक्शन के लिए। लेकिन अभी मौसम बन रहा है, जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रहा है, ऊपर बादल आ चुके हैं, तो रेनफॉल भी होगा और स्नोफॉल भी होगा। एक बार पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारी मेहनत को सफल करें। जय हिंद, जय भारत।